आज है कौन सा दिन है वो, आज बुला का दिन भी हम लोग इतना बिजी हैं टाइम में कि दिन में से सोमवार है भाई आज, तो आज सोमवार के दिन है और रुके हुए हैं अभी तक, फुआ के घर ही रुके हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, गांव में रुके हुए हैं। एक गांव का सीन दिखा दे थोड़ा सा, छत पे पूरा एकदम कद्दू कद्दू, प्यारे भाषा में लौका भी कहा जाता है। और इधर रहा बगान अपना, गांव का सीन बहुत मस्त है, पीछे भी बगान है पूरा। चलो इन्हें चलो दिखाओ किधर है, ये देखो भाई कैसा एकदम दौड़ के जा रहा दिखा दे। अच्छा ये रहा आपका आपका ये सब, तो ये गांव के बहुत अमीर आदमी हमारे भाई में ही आते हैं, हमें भी गर्व है भाई कि चलो कोई तो अमीर है मेरे घर में। और ये डब्बा डुब्बी रखते हैं, डब्बा डुब्बी नहीं दिखाना है इधर दिखाना है, नजर उजर नहीं लगता इसे। ये एक क्या पता नहीं गांव का क्या है ये, जिससे पता नहीं क्या नहीं लगता भाई, हिंग है, हिंग नजर नहीं लगता, नजर नहीं लगता है हिंग, पता नहीं क्या सीन है हम लोग को उतना पता नहीं। और अपना वो लगा हुआ है गाड़ी, बुलेट लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, कल ही बनवा कर आए, लगा हुआ है तो एंजॉय कर रहे हैं फुआ के घर काफी अच्छे से। फिर दिखा दूंगा बगान, बगान क्या देख के करोगे इतना, बहुत हो गया बगान, थोड़ा सा जानते हैं गांव के बारे में। अभी धूप है, कैमरा सही नहीं आएगा। अरे आ जाएगा ना, तुम आओ ना, वो कैमरा का अपना काम है, तुम्हारा अपना काम है। तो थोड़ा बताओ गांव के बारे में, क्या क्या कैसा गांव है, कौन रहते हैं, कितने। गांव बहुत खूबसूरत है, कभी एक बार आए हो तुम देखो। आए हैं तो अभी तो देख रहे हैं भाई, बहुत खूबसूरत गाँव है, काफी हरियाली है गाँव में भाई, हरियाली है, अच्छा गाँव है, गाँव का नाम कोलना है, और जो भी गाँव में आता है उसको मन लग जाता। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा गाँव है। कौन से जिले में पड़ जाती है ये गया जिला में पड़ जाती है आपको, बजीरगंज थाना, पोस्ट सिंहोरा, बहुत खूबसूरत गांव है कोलना, गांव नाम कोलना। अच्छा हाँ, काफी खूबसूरत गांव है देखने में लग रहा, हरियाली हरियाली ही भरी पड़ी है गांव में, गाय भी बंधे पड़े हैं दूध देने के लिए और कुछ बताना चाहोगे गांव के बारे में, और क्या, बहुत अच्छा गांव है, बहुत खूबसूरत है, कभी आइए घूमने वाला चीज है। आप तो गए और घुमाइएगा कब, गेलौर है, राजगीर। अच्छा है, एक बात और भाई लोग, ये गांव के बगल में ये एक पहाड़ है जो जिसका नाम है दशरथ मांझी पहाड़, जो जो मांझी जी काटे, इंग्लिश में बोलते हैं मांझी द माउंटेन मैन, उस आदमी को बोलते हैं मांझी द माउंटेन मैन, ठीक है बात तुम्हारा सही बिल्कुल, लेकिन ये गांव के बगल में कितना दूर है यहाँ से वो पहाड़, यहाँ से 5 किलोमीटर, बस यहाँ से 5 किलोमीटर का ही वो पहाड़ है, सोच कोशिश करते हैं वहां भी जाने का। गहलोर, गहलोर में पड़ता है, जो हथौड़ी से काट के रोड बनाया गया है पूरा। हाँ बिल्कुल, वही सोचते हैं आज से घूमने का। हाँ, हमेशा मेला लगता है, जानते हैं हम लोग इधर का इलाका में सब मजबूत है, सब पैदा होता है इधर घूमने का जगह है बहुत यार, गया जिला में बहुत घूमने का जगह है सबने। और एक ककोलत झरना भी है, ककोलत हो गया, राजगीर हो गया, तपोवन हो गया, बहुत ऐसे जगह है। बिल्कुल, तो बिल्कुल वहाँ चला जाएगा, घूमा जाएगा आज। अब चलते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है, नाश्ता नाश्ता भी आ चुका है, ये रहा अपना नाश्ता, आज ऐसे खाएंगे हम लोग चटाई पे बैठकर, तो ये फर्स्ट मज़ा है, ऐसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। आ जाओ भाई, तुम सोते हुए खाओगे क्या क्या कर रहा है यार, वीडियो बना रहा है बस। आ जाओ भाई तुम, तो खाते हैं गाइस, और खा के थोड़ा सा चलते हैं खेत में, खेत चलेंगे ना भाई अभी अपने, तो इसका खेत देखेंगे भाई, हम लोग खेत दिखाएंगे आपको, तो खेत में थोड़ा घूम के, खुद का तारीफ खुद से नहीं करना चाहिए लेकिन गांव में थोड़ा सा देखा जाए कैसा टेस्ट आता है, गांव का अंबानी है, गांव के खाने में क्या टेस्ट आता है, तो अंबानी भाई के साथ घूमेंगे अपने पूरे गांव, और घूम कर देखेंगे कितने क्या है सब कौन, और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मजा है ना, अभी जाएंगे ना तो खेत देखेंगे, और खेत में जो अभी वो फरा हुआ है ना क्या, बूट चना पड़ा हुआ है, चना शायद, हाँ हिंदी में मटर मिलेगा, तो ये अभी तोड़ कर राई मिलेगा, राई मिलेगा, चाथी मिलेगा आपको, गेहूं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा देखने को, अलग अलग लोग अलग अलग, गोभी फूलगोभी गोभी, और वो भी होता है क्या यहाँ पे जो ताड़ी का बनता है, हाँ ताड़ चूता है,
प्योर पियक्कड़ हैं गाइज हम, तो दाढ़ी का व्यवस्था करवा रहे थे। दाढ़ी ऐसा बात है नहीं, हर चीज मिल जाएगा जो आपको चाहिए, बैठे हुए हैं, फोन करेंगे अवेलेबल। वाह, आप समझ सकते हैं गांव का अंबानी।